हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। विच इज़ श्यामल्स कॉर्नर और मैं हूँ आपकी फ्रेंड श्यामा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक कंपैरिजन वीडियो लेके आई हूँ, जो कि है एक मेकअप प्रोडक्ट। एंड मैं दो ऐसे मेकअप प्रोडक्ट को कंपैरिजन करने वाली हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ वो दो प्रोडक्ट कौन से हैं। फ्रेंड्स, ये है स्विस ब्यूटी की मस्कारा और ये है मास की मस्कारा। फ्रेंड्स, इन दोनों का मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ कि आप अगर सोच रही हैं कुछ एक बाय करने का, तो इन दोनों में से आप कौन सा बाय कर सकती हैं, प्लस इसका परफॉर्मेंस कैसा है, एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहें। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं इस स्विस ब्यूटी की मस्कारा की बात करूँ। इसका जो नाम है वो है स्विस ब्यूटी प्रिसाइज एंड मस्कारा और इसकी जो MRP है वो 299 रुपीज़ है, बट आई गॉट इट समथिंग 250 के अराउंड मुझे ये मिल गया था आसानी से। सेल्फ लाइफ जो मिलती है वो 3 साल की मिल जाती है और इसका जो कलर है वो है ब्लैक, जेट ब्लैक। इसके पैकेजिंग पे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं इसके आउटर पैकेजिंग पे। खोलने के बाद कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती है। ये सिल्वर कलर की पैकेजिंग है और इस मस्कारा को बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे मस्कारा बहुत पसंद है। बट इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ये मास का मस्कारा इससे क्या बेटर है या फिर इससे नहीं है बेटर। मास का मस्कारा मुझे कुछ इस तरीके का रिसीव हुआ है, मैंने इसे अमेजोन से बाय किया है। का नाम है मार्स अल्ट्रा कर्ल लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा और इसमें हमें निट वॉल्यूम 12 ml मिल जाता है और इसकी MRP जो है वो 195 रुपीज़ है। मैंने इसे ऑन MRP भी लिया है, बट वो कभी कभी डिस्काउंट भी चलते रहते हैं। दोनों के प्राइस में थोड़ा बहुत का अंतर है, तो चलिए अब इसकी इनर पैकेजिंग हम देख लेते हैं। इसे खोलने के बाद जो हमारी इसके अंदर इनर पैकेजिंग हमें रिसीव हुआ है वो है इस तरीके का। ब्लैक और रोज गोल्ड की पैकेजिंग में है, इसके ऊपर मार्स मेंशन है और एक और यहाँ पे पॉलीथीन की रैपर से रैप है। चलिए ऊपर खोलने के बाद फ्रेंड्स इसके ऊपर इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है 12 ml एंड मार्स मस्कारा फैबुलस इस पे मेंशन है। तो चलिए अब हम इसे खोल के देखते हैं। खोलने के बाद मैं इसे फर्स्ट टाइम खोल रही हूँ, आई डोंट नो कैसा आएगा, बट लेट्स सी। इसका एप्लीकेटर आप जैसा कि देख पा रही है इस तरीके की इसकी कोम है यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा हैंडी मुझे लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्टडी लग रहा है मुझे इसका एप्लीकेटर और इसे पकड़ने में भी बहुत इजी हो रही है, अच्छी तरीके से ग्रैप बन रही है। और एज यू कैन सी इसका जो है कोम वो किस तरीके का है, मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। इसे यूज़ करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये कैसा परफॉर्मेंस करता है। तो चलिए अब मैं स्विस ब्यूटी का भी आपको एप्लीकेटर दिखा देती हूँ। स्विस ब्यूटी की जो एप्लीकेटर है वो कुछ इस तरीके की आती है। एज यू कैन सी इसकी जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग है कंपेयर विथ मार्स की, तो इसकी थोड़ी सी लॉन्ग है। यहाँ पे जो इसके ब्रिसल्स है वो थोड़े से कंपेयर विथ मार्स से थोड़े से थिन है और थोड़ा सा लॉन्ग भी है। चलिए अब नाउ इट्स डेमो टाइम, चलिए टेस्टिंग टाइम आ गया है। फ्रेंड्स, मैं इस तरफ अपने लैसेस में स्विस ब्यूटी का मस्कारा लगाऊंगी और इस तरफ के लैसेस में ये मार्स का मस्कारा लगाऊंगी। देखते हैं दोनों में से कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। मैंने अपना आई मेकअप कर लिया था बट मैंने कोई भी मस्कारा नहीं लगाया था क्योंकि मुझे इन दोनों मस्कारा का टेस्ट करना था और कोई लैसेस तो ऑब्वियसली नहीं लगाया। तो चलिए पहले मैं ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा अपने ये साइज़ में लगाती हूँ। फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक कोट में लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये एक कोट ऑफ स्विस ब्यूटी का मस्कारा है, कैन यू सी। अब चलिए हम मास्क का मस्कारा ट्राई कर लेते हैं इस आईलैशेस पे। आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस फर्स्ट टाइम। ये एक कोट ऑफ मस्कारा है मार्स का जो मैंने इस आईज पे अप्लाई किया है और इस तरफ स्विस ब्यूटी का मस्कारा मैंने अप्लाई किया है। कैन यू सी, मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। इसने अच्छी तरीके से मेरे पलकों को सेपरेट किया है। तो कैमरा पे उतनी अच्छी तरीके से आप देख नहीं पा रही होंगी बट मैं मिरर में जैसा कि देख पा रही हूँ, ये थोड़ा सा आई थिंक कंपेयर विथ स्विस ब्यूटी के ना थोड़ा सा ये आईज के पास यहाँ भी इसने थोड़ा सा मस्कारा मुझे लग गया है। मार्स का मस्कारा, मैं मार्स की मस्कारा की बात कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लग गया है। क्योंकि क्या है ना कि इसका एप्लीकेटर जो है ना वो थोड़ा सा ये
मैं आपको दिखा देती हूँ। एप्लीकेटर थोड़ी सी थिक है, यहाँ पे ब्रिसल्स जो है वो थोड़ी सी थिक है, बट ये जो पकड़ने के लिए हैंडल दिया गया ना ये बहुत अच्छा है। आप अच्छी तरीके से इजी टू कैरी इसको कर सकती है, अच्छी तरीके से होल्ड करके आप लगा सकती हैं। बट जब लगाते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा थिक है तो इसको मैस होने का थोड़ा ज़्यादा चांस है, और उसने किया भी थोड़ा बहुत, इसने मेरे आइज़ के नीचे लगाने में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही थी मुझे इसे। फ्रेंड्स, मैं जो भी बता रही हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है और बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन है। मुझे ये मस्कारा काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि इसके पसंद होने का कारण ये है कि इसने अच्छी तरीके से मेरे पल लैशेस को सेपरेट कर दिया है, काफ़ी ही ज़्यादा उसे वॉल्यूमाइज कर दिया है, आई कैन सी। बट इसके एप्लीकेटर थोड़ी सी थिक होने के कारण इसने मेरे आइज़ के जब मैं नीचे वाले पलकों पे लगा रही थी तो इसने थोड़ा सा यहाँ पे मैसअप कर दिया है, थोड़ा सा उसने मतलब कि मस्करा मेरे आइज़ के पास लग गया है, जो कि इसके साथ मुझे कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। जब मैं नीचे वाले पलकों पे लगाती हूँ ये ईजी टू अप्लाई होता है। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो एप्लीकेटर है ना वो थोड़ा सा थिन है, पतला है एज़ यू कैन सी, तो ये नीचे वाले पलकों को अच्छी तरीके से सेपरेट कर देता है। एट द सेम टाइम ये ऊपर की पलकों को भी अच्छी तरीके से सेपरेट करता है, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग ये भी है। मैं बहुत दिनों से इसे यूज़ कर रही हूँ। जहाँ तक ग्लासेस को वॉल्यूमाइज करने की बात है, इन दोनों ने सेम काम किया है, बहुत अच्छी तरीके से सेम काम करते हैं ये। फ्रेंड्स, इन दोनों की बात करूं, अगर आप मेरे रिकमेंडेशन पे जाना चाहते हैं इन दोनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए, सबसे पहले प्राइस पॉइंट की बात करें तो इसकी प्राइस 299 रुपीज़ है, बट यू गॉट आराम से डिस्काउंट, मतलब 200 to 250 के आसपास आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा ये। और इसकी प्राइस जो है वो 195 रुपीज़ अप्रोक्स 200 है, बट आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट इस पर नहीं मिलते हैं, बहुत से बहुत 170 to 200 के बीच में ये आपको मिल जाएगा। मतलब प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो 50-60 रुपये का दोनों में फ़र्क है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। दोनों अच्छी तरीके से लैसेस को सेपरेट करते हैं, वॉल्यूमाइज करते हैं, नो डाउट परफॉर्मेंस सेम है, ठीक है। बट एक जो मुझे ड्रॉबैक मार्स वाले में लगी कि कंपेयर विथ स्विस ब्यूटी के, कि नीचे के लैसेस को लगाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, मतलब आई थिंक नीचे के लैसेस को लगाने के लिए मुझे ये वाला मस्करा यूज़ करना पड़ेगा। तो आई विल यूज़ डेफिनेटली, बिकॉज आई लव द परफॉर्मेंस ऑफ मार्स मस्करा एज वेल एज स्विस ब्यूटी का मस्करा, तो मैं दोनों को तो यूज़ करूँगी ही करूँगी। बट मुझे थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं 19-20 का फ़र्क आप अगर पूछोगे तो 19 में इसको देना चाहूँगी और 20 में इसको देना चाहूँगी, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके नीचे के पलकों के भी, नीचे के लैसेस को भी अच्छी तरीके से सेपरेट करता है। बट आई लव दिस, मतलब अच्छी तरीके से आपके पलकों को सेपरेट करता है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो यार बहुत अच्छा है, मतलब आप ले ही लो ये मस्करा, बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट है, आपको लेना चाहिए मस्करा। बट हाँ, थोड़ा सा केयरफुल होके आपको नीचे के लैसेस में मस्करा लगाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कंपैरिजन वीडियो, जो कि स्विस ब्यूटी के मस्करा के साथ मैंने मार्स के मस्करा को कंपेयर किया था। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा मस्करा अच्छा लगा और आप कौन सा मस्करा ख़रीदना चाहती हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड्स, इट मीन्स लॉट फॉर मी फ्रेंड्स। तब फ्रेंड्स, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटती है और हमेशा खुश रहिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।